नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हिमालय की गोद में बसा है माँ पूर्णागिरी मंदिर। जी हाँ, हम वही माँ पूर्णागिरी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जो देश के चार सीमा से जुड़ा हुआ है। इसकी सीढ़ी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आप गिनती भी भूल जाएंगे। दरअसल भक्तों को 480 सीढ़ी चढ़कर माता के दर्शन करने पड़ते हैं। जी हाँ, 480 सीढ़ी है, तभी जाके भक्त माता के दर्शन कर पाते। पूर्णागिरी मंदिर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के टनकपुर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यह 108 सिद्ध पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर सती माता की नाभि गिरी थी। पूर्णागिरी को पुण्यगिरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर शारदा नदी के पास स्थित है। पूर्णागिरी मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी खास जाना जाता है। 1632 में गुजरात के एक व्यापारी चंद्र तिवारी ने चंपावत के राजा ज्ञानचंद के साथ शरण ली थी। उनके सपनों में माँ पूर्णागिरी दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा था। तब से आज तक मंदिर में जोरों शोरों के साथ पूजा पाठ की जाती है और भक्तों की काफी संख्या में भीड़ लगती है। चैत्र नवरात्रि यहाँ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यहाँ एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जहाँ भारत के अनगिनत भक्त मेले में शामिल होते हैं। इस मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। मंदिर को झूठे का मंदिर भी कहते हैं। चलिए आपको इस मंदिर की दिलचस्प बातें बताते हैं। दरअसल पूर्णागिरी मंदिर से लौटते समय झूठे का मंदिर भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यापारी ने माँ पूर्णागिरी से वादा किया था कि अगर उसकी पुत्र की इच्छा पूरी हुई तो वह एक सोने की वेदा का निर्माण करेगा। उनकी इच्छा देवी ने प्रदान की थी। लालच आते ही व्यापारी पगला गया और उसने सोने की परत चढ़ाने के साथ तांबे की एक वेदी बना डाली। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मजदूर मंदिर को ले जा रहे थे तो उन्होंने कुछ देर आराम करने के लिए मंदिर को जमीन पर रख रहा था। उन्होंने कितना मंदिर को उठाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर उठ ना सका। व्यापारी को माँ द्वारा की जाने वाली ये वजह समझ आ गई और उसने काफी मांगने के बाद वेदी के साथ मंदिर बनवा डाला। मल्लिकागिरी, कालिकागिरी और हमला चोटियों से घिरा पूर्णागिरी मंदिर। वक्त पूर्णागिरी मंदिर के लिए निकलते समय भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी समझते हैं। लोगों का मानना है कि भैरव बाबा की अनुमति से ही वक्त आगे बढ़ते चलते हैं। अबला खान या हनुमान चट्टी इस मंदिर के पास स्थित है, जिसे वंश की चढ़ाई पार करने के तुरंत बाद आसानी से जाया जा सकता है। यहाँ आप टनकपुर शहर और कुछ नेपाली गांवों को भी देख सकते हैं। इस मंदिर के पास ही बुरामदेव मंडी स्थित है, जो पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। टनकपुर से चलने योग्य सड़क थुलीगढ़ तक जाती है। वहां से 2 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंचा जा सकता है। टनकपुर निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो पूर्णदेवी मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। मंदिर से लगभग 145 किलोमीटर दूर पंतनगर पास का हवाई अड्डा है। दिल्ली हवाई अड्डा मंदिर से लगभग 368 किलोमीटर दूर है। मेरी माता पूर्णागिरी का जाने का रास्ता हमने आपको बताया और ये पूर्णागिरी का महत्व भी बताया। यहाँ पर श्रद्धालु जो अपने मन से जो भी कुछ मांगते हैं, माता उनकी इच्छा को ज़रूर पूरा करती है। मान्यता यह भी है कि अगर श्रद्धालु 480 जो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं उसको पार करके कुछ भी मांगे वो पूर्णागिरी मंदिर में पूरा होता है। इसकी इतिहास भी रही हुई है, क्योंकि यहाँ पर माता का नाभि भी गिरा था।
ये सती माता का नाभि गिरा था, जिसके बाद वहाँ पर ही स्थापित हो गया। पूर्णागिरी जाने का रास्ता भी हमने आपको अपनी खबर के ज़रिए बता दिया। वैसे पूर्णागिरी मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और ये मंदिर को देखने के लिए पर्यटक लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इस मंदिर ये मंदिर जो है ये चार देशों के सीमा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी न्यूज़ और वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।